भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड इज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी से जुड़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के सप्तम कांड का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में इस वक्त जो अध्याय चल रहा है, वो अध्याय है तथागत का उनकी जीवन यात्रा का बिल्कुल अंतिम पड़ाव। हमने पिछली कड़ी में देखा कि मल्लों ने किस तरह किसी राजा महाराजा का जो अंत संस्कार होता है, उस अंत संस्कार की तरह उन्होंने तथागत के पार्थिव पर भी अंत संस्कार किया, उनकी दाह क्रिया की। अब आज का शीर्षक है तथागत बुद्ध के फूलों के लिए कलह। हमने पिछली बार देखा कि उनका पार्थिव कुछ ही पलों में ये राख में परिणत हो गया। जो राख होती है, मतलब किसी नश्वर देह, जब वो उसका प्रयाण होता है, उसकी मृत्यु होती है, तथागत तो परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, जब उसका दाह क्रिया की जाती है और उसकी जो राख बचती है उसे फूल कहा जाता है। बौद्धों की जीवन शैली में ये एक बड़ा विशिष्ट शब्द है कि उसे फूल कहते हैं। तो इन फूलों के लिए जो कलह हुआ, वो उस शीर्षक को यहाँ बाबा साहेब चर्चा के लिए लेते हैं। तो देखिए, जब तथागत का शरीर अग्नि द्वारा भस्म में परिणत कर दिया गया, कुशीनारा के मल्लों ने समस्त राख और अस्थियां इकट्ठा कर ली और अपने संतागार में रखकर उन्हें भालों से घेर लिया। मल्लों ने उस पूरे जितनी भी वो अस्थियाँ थी, राख थी, उस सबको इकट्ठा कर लिया, अपने संतागार में रख लिया और उसे भालों से घेर लिया और उन पर धनुर्धारियों का पहरा बिठा दिया ताकि कोई उनका एक हिस्सा भी चुरा कर ले जा ना सके। मतलब इतनी कड़े बंदोबस्त में उसे रख दिया गया, कड़ी सुरक्षा उसके उसका घेरा बना दिया, कड़ी सुरक्षा का घेरा जिसमें धनुर्धर भी है, भालाधारी भी है। तो भालाधारी इकट्ठा हो गए, धनुर्धर इकट्ठा हो गए, भालाधारी भाला लेकर खड़े हैं और धनुर्धर ये देख रहे हैं कि कोई आए ना। और उद्देश्य क्या था कि इसका एक हिस्सा भी कोई चुरा कर न ले जा सके। 7 दिन तक मल्लों ने नृत्य किया, गीत गाए, वाद्य बजाए, मालाएं तथा सुगंधियों द्वारा उनके प्रति आदर सत्कार तथा गौरव प्रदर्शित किया और उनकी पूजा की। अब मगध नरेश अजातशत्रु ने समाचार सुना कि कुशीनारा में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। जब अजातशत्रु ने यह सुना कि तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, तो इसलिए उसने मल्लों के पास अपना दूत भेजा ताकि वे उसे कृपया अवशेषों में से एक हिस्सा दे दें। अजातशत्रु का दूत मल्लों के पास आया, उनसे कहने लगा कि भाई उसका एक हिस्सा उन फूलों का वो हमें दे दें। इसी प्रकार वैशाली के लिच्छवियों ने भी दूध भेजा, कपिल वस्तु के शाक्यों ने भी भेजा और अहकप्य के वल्लियों ने भी भेजा और रामगाम के कोलियों ने भी एक दूध भेजा तथा पावा के मल्लों ने भी अपना एक दूध भेजा। और ऐसे एक एक दूत इन सब जगह से आए। इस प्रकार अस्थियों का एक एक हिस्सा मांगने वालों में वेट द्वीप का एक ब्राह्मण भी था। जो वेट द्वीप है, उस वेट द्वीप से एक ब्राह्मण भी आया था और उसने भी एक हिस्सा मांगा। जब कुशीनारा के मल्लों ने इतनी मांगों की बातें सुने तो वे कहने लगे कि देखिए, हमारी सीमा में तथागत का परिनिर्वाण हुआ है। कुशीनारा के मल्लों का यह कहना था कि हमारी सीमा में तथागत का परिनिर्वाण हुआ है,
हम किसी को कोई हिस्सा नहीं देंगे, इस पर केवल हमारा अधिकार है। तथागत ने देहत्याग किया कुशीनारा के मल्लों के उपवन में, लेकिन मल्लों ने अब उस राख पर, उन अस्थियों पर यानी कि उन फूलों पर अपना अधिकार बताया। अब परिस्थिति को बिगड़ते देखकर द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने मध्यस्थता की। तो द्रोण ने मध्यस्थता की और उन्होंने कहा, भाई मेरे दो शब्द सुन ले आप। उसने कहा कि तथागत ने शांति और सहनशीलता की शिक्षा दी है। देखिएगा, अब यहां ये बात आ गई कि तथागत के फूलों के लिए भी संघर्ष होने लगा। तो उन्होंने कहा, भाई तथागत ने शांति और सहनशीलता की शिक्षा दी है, ये बिल्कुल उचित नहीं कि उन्हीं तथागत की अस्थियों के लिए जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे उसके लिए झगड़ा हो, कलह हो, लड़ाई हो, यह अच्छी बात नहीं। हम सब सहमत होकर अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांटे और हर जनपद में उन पर स्तूप बनाए जाए ताकि हर जनपद में उनकी पूजा हो सके। तो उन्होंने ये एक सुझाव दिया, एक रास्ता निकाला कि भाई सब लोग आपस में इसे बांट लें और सब लोग अपनी अपनी जगह पर इस पर एक बड़े स्तूप बनाएं और स्तूप बनाकर इसकी पूजा करें। तो कुशीनारा के मल्ल सहमत हो गए, बोले अच्छा तो तू ही इन्हें सही सही 8 बराबर हिस्सों में बांट दे। उन्होंने द्रोण से कहा कि भाई तुम ही बांट दो इसको 8 बराबर हिस्सों में। द्रोण ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया और उसने तथागत के अवशेषों के बराबर बराबर 8 हिस्से कर दिए। बंटवारा कर चुकने के बाद उसने कहा कि मुझे ये बर्तन मिल जाए तो मैं इस पर एक स्तूप बनवाऊंगा। द्रोण ने कहा कि ये बर्तन जिससे मैंने इसको 8 बराबर हिस्सों में बांटा है, अगर ये बर्तन मुझे मिल जाए तो इस बर्तन पर भी मैं एक स्तूप बनाऊंगा। सब ने मिलकर ब्राह्मण को बर्तन देना स्वीकार कर लिया, तो ये हो गए 9 हिस्से। इस प्रकार तथागत के अस्थियों के हिस्से हो गए और जिस झगड़े का अंदेशा था वो शांति से निपट गया। तो ये कलह जो है वो कलह इस तरह से खत्म हुआ। अब देखिए कि ये बात जो हमेशा आ जाती है कि तथागत के होते हुए भी और तथागत के ना होते हुए भी, तथागत के प्रति जो श्रद्धा रही लोगों के मन में, जो आस्था रही उनके मन में, और जो आदर और जो प्रेम रहा, जिसके कारण उन्होंने 7 दिन तक सत्कार भी करते रहे, आदर भी करते रहे, आतिथ्य भी करते रहे, नाचते गाते रहे। पार्थिव है तथागत का दुशाल वृक्षों के बीच, लेकिन लोग उसके आसपास नाचते रहे, गाते रहे, बाजा बजाते रहे। बुद्ध भक्ति की एक बात बाबा साहेब ने यहां बुद्ध और उनका धम्म में लिखी है। अंत संस्कार हो गया, फूलों का बंटवारा भी हो गया, अब बुद्ध भक्ति की बात लिखते हैं बाबा साहेब। ये शीर्षक है इसमें, ये सप्तम कांड का 3रा भाग जो है उसके 8वें अध्याय में बाबा साहेब लिखते हैं कि ये बात श्रावस्ती में ही घटी। श्रावस्ती की बात है, बाबा साहेब लिखते हैं यहां कि उस समय तथागत चारिका कर रहे थे और वे किसी दूसरी जगह में थे, लेकिन बुद्ध भक्ति कैसे है इस बात को बाबा साहेब समझा रहे हैं कि यह बात श्रावस्ती में घटी है। उस समय बहुत से भिक्षु ये सोचकर कि जब चीवर तैयार हो जाएगा 3 महीने बाद तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे, तो तथागत के लिए एक चीवर तैयार कर रहे थे। ये बड़ी विशेषता रही है लोगों की कि भाई तथागत जब इस राह गुजरेंगे, जब वर्षावास खत्म हो जाएंगे और तथागत जब चारिका के लिए निकलेंगे तो उनके लिए एक चीवर तैयार करके रखा जाए। उसी समय इसी दत्त तथा पूर्ण नाम के 2 राज्य अधिकारी किसी काम से साधुका में ठहरे हुए थे। तब उन्होंने ये समाचार सुना। कहते हैं कि बहुत से भिक्षु ये सोचकर कि जब चीवर तैयार हो जाएगा 3 महीने के बाद तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे, तथागत के लिए एक चीवर बना रहे हैं। तब इसी दत्त और पूर्ण ने एक आदमी को सड़क पर नियुक्त कर दिया। उसे कहा, जो ही तुम भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को आते देखो तो
तो तुरंत आकर इसकी सूचना हमें दो। इसी दत्त और पूर्ण जो है इन्होंने एक आदमी को नियुक्त कर दिया कि भाई तुम यहीं खड़े रहो और तुम देखो कि दूर से कहीं तथागत आते हुए दिखे तो हमें तुरंत सूचना दो। 2-3 दिन तक वहीं रहकर प्रतीक्षा करते रहने के बाद उसने कुछ दूर से ही तथागत को आते देखा। वर्षावास खत्म हो चुके थे, तथागत चारिका पर निकल पड़े थे, तो उसने दूर से देखा तथागत को आते हुए। वो दौड़ा दौड़ा इसी दत्त तथा पूर्ण राज्य अधिकारियों के पास गया और उनको सूचना दी कि भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध चले आ रहे हैं, जब आप जो इच्छा ही करें। तब इसी दत्त और पूर्ण दोनों राज्याधिकारी तथागत की ओर आगे बढ़े और उनके पास पहुंचकर उन्होंने तथागत को अभिवादन किया और तथागत के पीछे हो लिए। पूर्ण और इसी दत्त दोनों तथागत के पीछे चलने लगे, उनको पहले अभिवादन किया और तब तथागत सड़क से हटकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर आसन पर जा बैठे। तब इसी दत्त और पूर्ण राज्याधिकारी भी तथागत को नमस्कार कर एक ओर बैठ गए और फिर उसके बाद उन्होंने तथागत से कहा कि भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद में चारिका करेंगे तो हम निराश हो गए और हमारा दिल छोटा हो गया। हाय, अब तथागत हम सबसे दूर हो जाएंगे। भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद में चारिका करने के लिए श्रावस्ती से निकल रहे हैं तो हम निराश हो गए कि हमारा दिल छोटा हो गया कि अब तथागत हमसे दूर हो जाएंगे। भगवान, फिर जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद को छोड़कर मल्लों के जनपद में चारिका के लिए जाएंगे तब भी हम निराश हो गए और हम तथागत से दूर हो जाएंगे, ऐसा वो सोचने लगे। भगवान, फिर जब हमने सुना कि तथागत मल्ल जनपद को छोड़ वज्जी जनपद चले जाएंगे कि वास्तव में चले गए, कि वज्जी छोड़ काशी चले जाएंगे कि वास्तव में चले गए, या फिर काशी के लोगों को भी छोड़कर वे मगध में चारिका करेंगे तो वास्तव में चले गए, हमारा दिल छोटा हो गया कि तथागत हमसे दूर हो गए। क्योंकि ये श्रावस्ती के आसपास की, जब श्रावस्ती छोड़कर वे निकलते तो लोगों के मन में यही बात आती थी कि तथागत हमें छोड़कर चले गए, लेकिन भगवान, जब हमने सुना कि तथागत मगध छोड़कर काशी पधारेंगे तो हम बड़े प्रसन्न हुए, हमारा दिल वल्लियों उछलने लगा कि अब तथागत हमारे नज़दीक आ रहे हैं। और जब हमने सुना कि वे काशी आ गए तो हम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तथागत से काशी से मल्लों के जनपद से कौशलों के जनपद में आने का इसी तरह वर्णन किया और फिर कहा, लेकिन भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद से भी श्रावस्ती की ओर चारिका करने के लिए चले आ रहे हैं तो हम बड़े प्रसन्न हुए। जब तथागत श्रावस्ती से बाहर जाते तो थोड़े अप्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब तथागत श्रावस्ती की ओर आ रहे हैं तो ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि चारिका करने के लिए चले आ रहा है, तो हम बड़े प्रसन्न हो गए, हम बल्लियों उछलने लगे। तब जब हमने सुना कि तथागत श्रावस्ती के अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हैं तो हमें असीम प्रसन्नता हुई और हमें असीम आह्लाद हुआ कि अब तथागत हमारे समीप है। क्योंकि उन्होंने, उनके लिए ये जो समीप होने की बात जो है तथागत के, ये बात उन्हें बड़ी आकर्षित करती थी और इससे वे प्रसन्न होते थे। उन्हें लगता था कि तथागत यहाँ से कहीं न जाए, ये आस्था का प्रश्न है, ये श्रद्धा की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि तथागत के प्रति जो मन में भक्ति है, जो श्रद्धा का भाव है, आदर का भाव है, उसके कारण लोग इस तरह से अपना ये आचरण रखते हैं और इस तरह का आचरण उनका प्रदर्शित भी होता है। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। बाबा साहेब भी इस अध्याय को खत्म करते हैं और ये सप्तम कांड भी यहाँ पर खत्म होता है। अष्टम कांड से आपको जोड़ेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।